डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑन नॉन एक्व सोल्वेंट्स आपका स्वागत है इस लेक्चर सीरीज में नॉन एक्व सोल्वेंट्स की एज इन द प्रिवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्वेंट्स वट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्वेंट्स सो हमने पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा वो हमने सिम्पल सोल्वेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा कि सोलवेंट्स क्या होते हैं और उनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं और वहां आपने देखा कि एक क्लासिफिकेशन जो था ऑन द बेसिस ऑफ एक्वस और नॉन एक्वस बिहेवियर ऑफ सॉल्वेंट सो जो सॉल्वेंट्स एक्वस नहीं होते उन्हें नॉन एक्वस कहते हैं एक्वस मीन्स पानी बेस्ड वाटर बेस्ड तो उनको हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स कहते हैं इस लेक्चर में हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की जो इन्फ्लुएंस होती हैं सॉल्वेंट के नेचर से इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे लिक्विड अमोनिया के नेचर के बारे में कि उसको अगर हम सॉल्वेंट की तरह यूज करें तो उस वो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है जिसकी वजह से हम उसको सॉल्वेंट सिस्टम की तरह यूज कर सकते हैं तो रिएक्शंस जो इन्फ्लुएंस होती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट से वो रिएक्शंस मेन पांच हैं देयर आर फाइव रिएक्शंस व्हिच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स ये ये पांच तरीके की रिएक्शन हैं जो सॉल्वेंट पर बेस्ड हैं। दीज रिएक्शंस आर प्रेसिपिटेशन सॉल्ट फॉर्मेशन सॉल्वोलिसिस और सोल्वोलिटिक सॉल्वेशन एंड रेडॉक्स सो दीज आर द फाइव फाइव टाइप्स ऑफ रिएक्शन मेन फाइव टाइप्स ऑफ रिएक्शन विच डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ सॉल्वेंट तो ये किस पर डिपेंड करती है सॉल्वेंट के नेचर पर तो सबसे पहले हम इन पांच रिएक्शंस को जाने कि इन रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है और वो किसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं किसे किसे हम सोल्व फॉर्मेशन कहेंगे तो अगर हम इन रिएक्शंस को जान लें देन इट इट बिकम इजी टू डिस्कस अबाउट द रिएक्शन्स ऑफ दिस लिक्विड अमोनिया एंड लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड तो ये ऐसी रिएक्शन है इनको हम जनरल अगर देखें कि ये किस तरीके से रिएक्शन होती हैं, तो उसके बाद फिर हम uh, समझ सकते हैं नॉन एक्सोलवेंट्स की सारी रिएक्शन को तो वन बाय वन अगर हम रिएक्शन देखें तो ये देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो पहले रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है एंड दिस रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन दोलिबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट्स फॉर्म इन अ पर्टिकुलर सोलमेंट ये जो रिएक्शन है किस पर डिपेंड करेगी ये डिपेंड करेगी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कितना डिजोल्व हो रहा है अगर वो प्रोडक्ट डिजोल्व हो जाएगा सॉल्वेंट सिस्टम में तो इसका मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तब होगी जब क्या होगा प्रेस जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल होगा अगर उसकी सोल्विलिटी कम होगी उस पर्टिकुलर सोल्वेंट में तभी क्या होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है इट डिपेंड्स अपॉन सोल्वेशन एनर्जी ऑफ आय इन अ पर्टिकुलर सोल्वेंट तो ये डिपेंड करेगी सोल्वेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है क्योंकि सोलवेशन एनर्जी मीन्स डिजोल्यूशन जितनी ज्यादा सोलवेशन एनर्जी होगी उतना ज्यादा डिजोल्यूशन होगा और उतना कम प्रेसिपिटेशन होगा तो प्रेसिपिटेशन तब होगा जब प्रोडक्ट विल बी इनसॉल्युबल इन द पर्टिकुलर सॉल्वेंट। अब देखिए फॉर एग्जांपल, आपने की है रिएक्शन पहले भी आपने देखी है जब AgNO3 को BaCl2 में ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर वाटर हम सॉल्वेंट लें, तो क्या बनेगा AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट एंड BaNO3 क्योंकि वाटर सिस्टम में AgCl क्या है इनसॉल्युबल क्योंकि AgCl इनसॉल्युबल है इसलिए ये क्या देगा एक प्रेसिपिटेट देगा अब अब इसी की देखिए अपोजिट रिएक्शन अगर हम एजीसीएल में बीएएनओ थ्री एड करना चाहें तो ये रिएक्शन नहीं होगी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर सिस्टम और ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा कि एजीएनओ थ्री और बीएसीएल टू बन जाए लेकिन अगर हम ये इसकी अपोजिट रिएक्शन करना चाहते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमें बीएसीएल टू का प्रेसिपिटेट मिले तो क्या करेंगे बीएएनओ थ्री एंड एजीसीएल की रिएक्शन किसमें कराएंगे लिक्विड अमोनिया में सो दट बीएसीएल टू गेट प्रेसिपिटेटेड तो आप देखिए बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन हो रही है लिक्विड पानी में एक्वस में ए एक प्रेसिपिटेट है क्योंकि वो इंसॉलिबल होता है पानी के सिस्टम में लेकिन लिक्विड अमोनिया में यह सोलबल है तो ये प्रेसिपिटेट नहीं होगा कौन इंसोलिबल है बीएसीएल टू इसलिए कौन प्रेसिपिटेट होगा बीएसीएल टू तो यह डिफरेंस है क्योंकि सोलवेंट सिस्टम बदलते ही आप देख रहे हैं प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन चेंज हो गई जहां लिक्विड पानी में जहां AgCl प्रेसिपिटेट था इनसॉल्युबल था पानी में वहां BaCl2 लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल है जबकि BaCl2 इट्स सॉल्युबल इन वाटर और BaCl2 इज इनसॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया तो इस तरीके से प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की जा सकती हैं क्योंकि ये किस पर डिपेंड करती है ये डिपेंड करती है सॉल्वेंट सिस्टम के ऊपर अब जो दूसरी रिएक्शन है वो है देखिए सॉल्ट फॉर्मेशन जो सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रही है वो डिपेंड कर रही है कि, किसके ऊपर सॉल्वेंट के ऊपर देखिए साल्ट फॉर्मेशन में क्या हो रहा है जो कुछ साल्ट क्या होते हैं सम साल्ट्स कैन बी फॉर्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन एक्वा सोलवेंट्स कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जो केवल नॉन एक्वस में फॉर्म होंगे लेकिन वो वॉटर में फॉर्म नहीं होंगे तो ऐसे सोल्ट जो केवल पानी में ही जो केवल नॉन एक्वासोल्वेंट में फॉर्म हो सकते हैं वो किसमें नहीं बन सकते वो वाटर में नहीं बन सकते इसलिए जो सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन है इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट्स अब एग्जाम्पल देखिए आप ये जो फॉस्फोनियम सॉल्ट है ये फॉस्फोनियम सॉल्ट को अगर हम पानी में लेंगे तो ये घुल जाएगा और घुलकर क्या बना देगा फॉस्फाइट बना देगा लेकिन अगर हम इस फॉस्फाइट की रिएक्शन एचसीएल के साथ करें HCL सी एल की प्रेजेंस में HCL is also a non तो अगर ये HCL में हम करें तो देखिए क्या मिल गया हमें सॉल्ट मिल गया क्योंकि फॉस्फोनियम सॉल्ट जो है वो इनसोलिबल होता है इन प्रेजेंस ऑफ HCL. जबकि ये सोलिबल है पानी में ये पानी में तो सोलिबल है लेकिन HCL में ये क्या होगा इनसोलिबल इसलिए हमें क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा फॉस्फोनियम सॉल्ट सो इफ इफ वी हैव टू प्रिपेयर फॉस्फोनियम सॉल्ट देन वी हैव टू यूज दिस सॉल्वेंट सिस्टम नॉट वॉटर लाइकवाइज देखिए आप फिर से देखिए एचसीएल की प्रेजेंस में जो फॉस्फोनियम है वो स्टेबल है देखिए वो क्रिस्टलाइज हो रहा है तो इन प्रेजेंस ऑफ एचसीएल जो फॉस्फोनियम सॉल्ट है वो बन जाएगा इजिली लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर फॉस्फोनियम विल डिजॉल्व तो ये रिएक्शन डिफरेंस है कि जो रिएक्शन हमें नॉन एक्वा सॉल्वेंट में मिलेगी वो एक्वा सॉल्वेंट में नहीं मिलेगी इसलिए उस बेसिस पर हम जैसी हमें रिएक्शन चाहिए जैसा हमें प्रोडक्ट चाहिए उस अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं रिएक्शन उसी हिसाब से हम सॉल्वेंट का चुनाव कर सकते हैं सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या बनना है उसके ऊपर हम सेलेक्ट करेंगे विच शुड बी द सॉल्वेंट अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं जो सोडियम यूराइड है सोडियम यूराइड भी एक सॉल्ट है अगर हम यहां पर रिएक्शन देखें अगर हम यूरिया की रिएक्शन एनएएच के साथ कराएं अगर हम एनएएच को एज ए सॉल्वेंट लें तो कोई रिएक्शन नहीं होगी लेकिन हम अगर इस यूरिया की रिएक्शन किसके साथ कराएं एनए एनएच टू के साथ अगर हम तो, ammonia, ये रिएक्शन कराएं तो इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया जब यह एनएनएच के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा देखिए ये बनाएगा सोडियम यूराइट। तो सोडियम यूराइट तब फॉर्म होगा जब लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में NaNH2 टू से रिएक्शन कराएंगे ये अभी आप देखेंगे जब हम लिक्विड अमोनिया पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो है NaOH NaOH क्या है एक, एक ये बेस है एक्वस बेस्ड बेस है जबकि NaNH2 एक बेस है इन लिक्विड अमोनिया तो ये दोनों ही बेस है जब ये बेस रिएक्ट करेंगे यूरिया के साथ एनएमएच रिएक्ट करेगा तो एक्वस मीडियम में कोई रिएक्शन नहीं होगी जबकि यूरिया के साथ जब एनएनएच रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया तो सोडियम यूराइड बनेगा तो जैसे ही हमने सोलवेंट सिस्टम चेंज किया रिएक्शन चेंज हो गई देखिए तो अगर हमें सोडियम यूराइड चाहिए तो हम यूरिया की रिएक्शन किससे कराएं एन एन एच टू के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया सो दट वी कैन गेट दी सोडियम जोराइड तो दिस इज वन रिएक्शन दैट इज सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्वेंट द नेक्स्ट रिएक्शन इज सोलिसिस और सोल्वोलिटिक रिएक्शन सोल्वोलिसिस मीन्स टूटना सोल्वोलिटिक लिटिक मीन्स टूटना तो इसका मतलब क्या है कि जो सोल्वेंट सिस्टम है जब वो सॉल्यूट से रिएक्ट करता है तो ये दो पार्ट में टूट जाता है ये आपको ध्यान रखना है सॉल्वोलिटिक या सॉल्वोलिसिस कहीं पर भी रिएक्शन होगी लिसिस लिटिक मींस टूट रहा है कौन टूट रहा है सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वोलिसिस है कौन टूटेगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट व्हेन रिएक्ट्स विद सॉल्यूट ये दो पार्ट में टूट जाएगा अब ये दो पार्ट में से पार्ट्स जो होंगे उसमें से कोई भी पार्ट मे अटैच टू द सोल्यूट मॉलिक्यूल कोई भी पार्ट क्या हो सकता है किसी सोल्यूट मॉलिक्यूल से एड हो सकता है और जो दूसरा पार्ट होगा यानी इसके दो पार्ट होंगे एक कैटाइन होगा और एक एनायन होगा कहने की बात यह है क्योंकि सोलवेंट सिस्टम में एक प्रॉपर्टी होती है वो नॉन एक्वा सोलवेंट्स दे आर ऑटो दे हैव ऑटो आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी तो ऑटो आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी क्या है वो भी हम देखेंगे ऑटो आयोनाइजेशन से क्या होता है वो दो तरीके के आयन देते हैं एक होता है कैटाइन एक होता है एनाइन फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर रिएक्शन लिखी हुई है ये एच टू है एच टू ऑटो आयनाइजेशन पर क्या देता है एच थ्री ओ प्लस एंड ओ एच माइनस कैटाइन एंड एन आइन एनएच थ्री ये जो नॉन एक्वासोल्वेंट है ये भी ऑटो आइनाइजेशन की प्रोसेस करता है और आप देख सकते हैं कि एनएच थ्री ऑटो आयनाइजेशन के थ्रू क्या देता है पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन ये भी हम पढ़ेंगे ऑटो आयनाइजेशन होता क्या है ऑटो आयनाइजेशन में क्या हो रहा है एक पॉजिटिव आयन बन रहा है एक नेगेटिव आयन बन रहा है ये क्लियर है आपको तो इसका मतलब है सोल्वोलिटिक में भी क्या होगा कि ये जो सॉल्वेंट रिएक्शन है ये दो भागों में डिवाइड होगा वन इज कैटाइन एंड अदर इज एन अब इन दोनों में से कोई एक पार्ट किसके साथ अटैच हो जाएगा सोल्यूट के साथ जब एक पार्ट मान लीजिए एनएच फोर प्लस इसके साथ ऐड हो गया तो कौन बच गया सॉल्यूशन में एनएच फोर एनएच टू माइनस तो इसका मतलब दूसरे आयन की कंसेंट्रेशन क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी तो इसलिए सोल्वोलिसिस इंक्रीजेज दी कंसेंट्रेशन ऑफ आइदर कैटायन और एनआईन तो जब एक पार्ट जो है वो सॉल्यूट के साथ अटैच होगा तो दूसरे पार्ट की कंसेंट्रेशन क्या होगा बढ़ जाएगी तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है सॉल्वोलिसिस या सोल्वलिटिक की रिएक्शन और सॉल्वोलिसिस एंड सोल्वोलिटिक ये किस पर डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट सिस्टम के ऊपर अगर ये सोल्वेंट एक्वस है पानी है तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस और अगर ये सॉल्वेंट अमोनिया है तो इसको हम कहेंगे अमोनोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया लिक्विड अमोनिया रिएक्शन हो रही है तो ये अमोनोलिसिस है और अगर वो हाइड्रो वाटर की प्रेजेंस में है तो वो हाइड्रोलिसिस है ओके okay? तो ऑटो आयनाइजेशन से ये दोनों आयन बने अब देखिए ये वाटर सिस्टम है इसने एसओ टू सी एल टू से रिएक्शन किया तो वाटर सिस्टम क्या होगा ऑटो आयनाइज होगा और एच थ्रीओ प्लस बनाएगा और ओ एच माइनस बनाएगा अब इसमें से जो ओ एच माइनस वाला पार्ट है वो देखिए कहां आ गया एसओ टू के साथ तो सोल्यूशन में किसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी एच थ्री ओ प्लस की क्योंकि एक पार्ट ने यहां रिएक्शन कर लिया है दूसरा पार्ट बचा है इसलिए एच थ्री ओ प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी और प्रोडक्ट क्या होगा एसओ टू ओ एच टू ओके अब यहां देखिए अमोनोलिसिस अगर हम सेम का एसओ टू टू का अमोनोलिसिस कर रहे हैं इन, इन लिक्विड अमोनिया तो हमें क्या मिलेगा एसओ टू एनएच टू ये जो एनएच टू माइनस है ये एसओ टू के साथ अटैच हो जाएगा और क्या बच जाएगा में दूसरा वाला आयन वो कौन सा है अमोनियम आयन तो यहां पर अमोनियम आयन बच गया तो इसकी तो कंसेंट्रेशन बढ़ गई और जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज थी वो इस सॉल्यूट के साथ बाइंड हो गई तो हमेशा क्या होगा जो सोल्वोलिसिस रिएक्शन होंगी या जो सॉल्वोलेटिक रिएक्शन होंगी वहां पर क्या होगा कि ये सोलवेंट सोल्यूट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो सॉल्वेंट दो पार्ट्स में डिवाइड होगा एक पार्ट होगा कैटाइन एक होगा एनायन क्योंकि ये ऑटो आइनाइज होते हैं सॉल्वेंट्स नॉन एक्वस जनरली दे आर ऑटो आयनाइज तो एक पार्ट तो किसके साथ अटैच हो जाएगा सॉल्यूट के साथ तो जो दूसरा पार्ट बड़े बचेगा वो क्या करेगा या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो उसकी कंसेंट्रेशन कहां बढ़ जाएगी सॉल्यूशन में बढ़ जाएगी सो दिस इज सोलोलिटिक रिएक्शन ये अगेन किस पर डिपेंड कर रही है सॉल्वेंट सिस्टम के चौथी तरीके की जो रिएक्शन है वो है सोलवेशन देखिए दोनों में बहुत अंतर है सॉल्वोलिसिस सोलवेशन अब यहां पर सोल्यूट टूटेगा नहीं जैसे आपने हाइड्रेशन पढ़ा है जब क्या होता है जब हम किसी आयनिक स्पीसीज को पानी में डालेंगे जैसे हमने NaCl को पानी में डाला तो क्या होंगे उसके आयंस होंगे हाइड्रोलाइज हो जाएंगे तो वो जो एन प्लस होगा उसके साथ भी वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा और जो सीएल माइनस होगा उसके साथ भी वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा तो उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन और अगर हम कोई और सोलवेंट ले लें तो उसको हम कहेंगे सोलवेशन तो क्या होता है जो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स गेट अटैच टू द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स क्या होगा यहां पर जो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो सोल्यूट के साथ अटैच हो जाएंगे अब यहां पर कैसे थ्रो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थ्रो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग थ्रो कोवलेंट बॉन्ड और थ्रो आयन डायपोल इंटरेक्शन कुछ भी हो सकता है तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो अब टूटेंगे नहीं जैसे सोलवलिस में वो टूट रहे थे यहां पर पूरा का पूरा जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगा और ये डिफरेंट काइंड के इंटरेक्शन उसमें होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ सकता है कॉर्डिनेट बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ सकता है कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ सकता है या फिर आयन डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू वो जुड़ सकता है तो इस तरीके से देखिए क्या होगा जो सॉल्यूट है वो कैटायन हो सकता है या एनायन हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है सोल्यूट ये सोल्यूट और इसके साथ जब सोलवेंट जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा सोल्यूट का सोलवेशन हो जाएगा केवल इस कैटायन या एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के चारों ओर कौन जुड़ जाएगा सोलवेंट मॉलिक्यूल और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं सोलवेशन अब यहां पर देखिए सोलवेशन प्रोसेस कैसे होती है ये देखिए सॉल्वेंट सिस्टम है सॉल्यूट है और जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बना देंगे सोल्वेट जो बनेगा उसको हम सै कहते हैं या फिर इसको हम एडक्ट भी कहते हैं कई केसेस में तो देखिए अमोनिया अमोनिया जब बी एफ थ्री से जुड़ेगा तो ये क्या बनाएगा बी एफ थ्री एनएस दोनों जुड़ गए ये मॉलिक्यूल है ये इसके साथ जुड़ गया तो ये अमोनेट्स ये क्या अच्छा ये के जो रिएक्शन है इसको हमने क्या कहा अमोनेशन सॉल्वेशन अमोनिया में हुई है तो अमोनेशन वाटर में होगी तो हाइड्रेशन ऐसे इनका नाम देंगे ठीक है तो अब यहां पर जो वॉटर मॉलिक्यूल देखिए एनएसएल के साथ जुड़ेगा तो एन प्लस के साथ एक्वस बनेगा और सीएल माइनस के साथ भी ये हाइड्रेशन हो गया तो ये हाइड्रेशन की प्रोसेस है एसओ टू के साथ एक एच एफ जुड़ गया तो ये क्या बन गया ये सॉल्वेट बन गया ऐसे ही बीएफ थ्री और एनएस थ्री जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा सोल्वेट बनेंगे इनको हम एडक्ट भी कहते हैं तो सिंपल ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा इसको हम कहते हैं सोल्वेशन की प्रोसेस एंड अगेन इट डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट अगर अमोनिया की प्रेजेंस में हो रहा है तो अमोनेशन है अगर वाटर की प्रेजेंस में हो रहा है तो हाइड्रेशन है और जो नेक्स्ट रिएक्शन है फिफ्थ रिएक्शन जो सॉल्वेंट सिस्टर पर डिपेंड करती है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन वो कौन सी रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन है अगर हम इस रिडॉक्स रिएक्शन को देखें तो जैसे अगर हम H2O को लें एक्वस मीडियम तो एक्वस मीडियम क्या होता है इट इज ससेप्टेबल फॉर रिडक्शन ए पानी का रिडक्शन आसानी से हो जाता है तो ये खुद को ससेप्टेबल है रिडक्शन के लिए ठीक है ये इसके रिडक्शन पोटेंशियल है अगर हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखें वाटर का तो डिफरेंट मीडियम में बेसिक मीडियम में माइनस पॉइंट एट टू एट है एसिडिक मीडियम में ये जीरो है और न्यूट्रल मीडियम में माइनस पॉइंट फोर वन फोर है तो इसकी वजह से क्या है ये जो वाटर है इट इज ससेप्टेबल फॉर रिडक्शन तो अगर ये किसके लिए रिडक्शन के लिए ससेप्टेबल है वाटर तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक्वस सॉल्वेंट में आसानी से होगी तो जनरली एक्वस मीडियम में कैसी रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन अब अगर हम लिक्विड अमोनिया को देखें तो लिक्विड अमोनिया इज ससेप्टेबल टूवर्ड्स ऑक्सीजन ये खुद ससेप्टेबल है इसलिए इसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस इतनी आसानी से नहीं हो सकती क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा इसलिए इट इज इन इन लिक्विड अमोनिया रिडक्शन रिएक्शन कैन बी डन तो इसलिए जो है वो लिक्विड अमोनिया में कौन सी रिएक्शन कर सकते हैं आसानी से रिडक्शन रिएक्शन क्योंकि खुद ऑक्सीडेशन के लिए ससेप्टेबल है अगर हम इसकी प्रेजेंस में कोई ऑक्सीडेशन की रिएक्शन करेंगे तो उस केस में उतनी अच्छी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन नहीं होगी जितनी रिडक्शन होगी क्योंकि खुद रिडक्शन के लिए ससेप्टेबल नहीं है अगर हम लिक्विड सल्फर डाई ऑक्साइड को देखें तो ये इनर्ट टूवर्ड्स रिडॉक्स रिएक्शन तो ये इनर्ट है तो ना तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना खुद का रिडक्शन हो सकता है इसलिए इट इज अटेबल सोलवेंट फॉर बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इसलिए ये लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में हम दोनों तरीके की रिएक्शंस कर सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन तो अगेन आप देख रहे हैं ये किसका बेसिस है सॉल्वेंट का अगर हमें एक्वा सॉल्वेंट लेना है तो उसमें हम ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस कर सकते हैं आसानी से अगर हमें लिक्विड अमोनिया लेना है तो वहां पर हम रिडक्शन की रिएक्शन आसानी से कर सकते हैं और अगर हमें लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड लेना है एज अ सोल्वेंट तो दोनों तरीके की रिएक्शन पॉसिबल है ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन अब हम देखें लिक्विड अमोनिया की कुछ प्रॉपर्टीज तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है लिक्विड अमोनिया की जो उसको एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट, सुटेबल नॉन एक्वस सॉल्वेंट बनाती है जिसकी वजह से हम उसको एक सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं तो वो कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज है अगर हम इस लिक्विड अमोनिया की प्रॉपर्टी देखें तो इसका मेल्टिंग प्वाइंट माइनस सेवेंटी पॉइंट सेवन डिग्री है बॉइलिंग प्वाइंट माइनस थर्टी पॉइंट थ्री डिग्री सेंटीग्रेड है जबकि उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है एट माइनस डिग्री सेंटीग्रेड तो इसको जब हम यूज करेंगे तो हमको इस रेंज में इसको यूज करना होगा जहां पर ये क्या रहे लिक्विड स्टेट में रहे देन अगर हम इसको कंपेयर करें वाटर के साथ तो so NH3 मोलिक्यूल जो है वो एसोसिएटेड होते हैं थ्रो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं लेकिन जो एसोसिएशन है डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक एनएस्थ्री मॉलिक्यूल दूसरे एनेस्थ्री मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ता है ऐसी एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ किससे जुड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लेकिन ये जो एसोसिएशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये किसमें ज्यादा होता है ये वाटर में ज्यादा होता है अमोनिया में कम होता है इसलिए अगर हमें एसोसिएशन की प्रॉपर्टी चाहिए किसी सॉल्वेंट की तो फिर हमें कहां पर देखना होगा फिर हमें एक्वस सिस्टम में जाना होगा क्योंकि इसकी एसोसिएशन की प्रॉपर्टी होती है लेकिन कम होती है इन कंपेरिजन टू एक्वस सिस्टम अगर हम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट में कंपेरिजन करें तो जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सेवेंटी होता है और जो एनएस है उसका डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 22 और 23 इसको 23 ही लिख लेते हैं क्योंकि हमने ऊपर 23 लिखा है तो ये 23 होता है और इसका सेवेंटी एट पॉइंट फाइव होता है तो इसका मतलब क्या है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से हम क्या समझते हैं वो हमें बताता है कि जो सोल्वेंट है वो कितना इलेक्ट्रोलिटिक है आयनिक नेचर है उसका या कम आयनिक नेचर है तो इसका मतलब है कि ये जो अमोनिया है वो पुअर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्वेंट है एज कंपेयर टू वाटर वाटर से पुअर कमजोर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्वेंट है तो इसलिए आयनिक कंपाउंड्स आर लेस सोल्युबल इन लिक्विड अमोनिया इसलिए जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो लिक्विड अमोनिया में कम सोलबल होंगे देआर फोर इट इज प्यर सॉल्वेंट फॉर आयनिक कंपाउंड्स तो आयनिक कंपाउंड के लिए ये क्या होगा अमोनिया आयनिक कंपाउंड अगर हम इसमें डिजोल्व करके उनके रिएक्शन कराना चाहें तो फिर ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट नहीं होगा फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि ये कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इसमें सोलबल होते हैं तो उसके हिसाब से फिर हम सॉल्वेंट को चूज करेंगे नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज सोलिबिलिटी ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड इज हायर क्यों है नॉन पोलर कंपाउंड्स की सोलिबिलिटी क्यों है देखिए अभी हमने पढ़ा डाईलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है वो अमोनिया का कम है इसलिए आइनिक कम्पाउंडस की सोलिबिलिटी तो कम है और किसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी नॉन पोलर कम्पाउंड की इसका मतलब है इट इज गुड सोल्वेंट फॉर कोवलेंट कम्पाउंड ये किसके लिए अच्छा सोल्वेंट होगा जहां पर कोवलेंट पाउंड होगा वहां पर यह अच्छा सोल्वेंट होगा और उस तरीके की रिएक्शन को हम इनप्लजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया करेंगे दूसरी और प्रॉपर्टी अगर आप इसकी देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि गुड टेंडेंसी टू फॉर्म कोऑर्डिनेट इंटरक्शन क्यों है क्योंकि अमोनिया के पास क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी टेंडेंसी होता तो एच के पास भी लोन पेयर है बट इट इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू एच तो इसलिए जो है इसकी कॉर्डिनेशिंग पावर जो है एमोनिया की वो ज्यादा होती है इसलिए ये आसानी से सोल्वेट्स बना लेता है क्योंकि सोल्वेट्स जो है वो थ्रो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं ओके okay? तो इसलिए ये आसानी से सॉल्वेंट बनाता है वो हम फिर जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे अमोनिया की तो वहां पर हम डिटेल में देखेंगे अब इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड अमोनिया के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है कम है बहुत कम है देखिए माइनस में है तो इसका मतलब है प्रिकॉशंस लेनी है ड्यूरिंग लिक्विड अमोनिया रिएक्शन तो लिक्विड अमोनिया की रिएक्शन कराते समय बहुत सावधानियां रखनी है क्योंकि माइनस में इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट है तो अब हम इसकी एक प्रॉपर्टी और देखें दैट इज ऑटो आयनाइजेशन ऑटो आयनाइजेशन को हम क्या कहते हैं सेल्फ आयनाइजेशन भी कहते हैं तो सेल्फ आयनाइजेशन और ऑटो आयनाइजेशन क्या है देखिए जो प्योर लिक्विड है वो पार्शियली डिसोशिएट्स इनटू होते हैं इनटू देयर आयंस इसको कहते हैं ऑटो आइनाइजेशन अगर कोई लिक्विड अपने आयंस के साथ पार्शियली आयनाइज हो तो इसको हम कहते हैं ऑटो आइनाइजेशन जैसे एनएच थ्री है तो वो अपने दो आयंस के साथ एनएच फोर प्लस और एनएच टू माइनस के साथ पार्शियली इसीलिए हमने इक्विलिब्रियम का साइन लगाया पार्शियली ये क्या हो रहा है अपने आयंस के साथ क्या है इक्विलिब्रियम में है. तो पार्शियली आयनाइज हो रहा है ऑटो आयनाइजेशन और सेल्फ आयनाइजेशन ऐसे ही वाटर है एक्वास मीडियम है वो भी ऑटो आयनाइज होता है और मोस्ट ऑफ दी नॉन सॉल्वेंट्स दे आल्सो हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन और ऑटो आयनाइजेशन ओके और ड्यूरिंग ऑटो आयनाइजेशन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स रिमेन द सेम सो दिस इज ऑटोआइनाइजेशन ऑटो आइनाइजेशन में क्या होगा जो लिक्विड्स हैं वो अपने आयस में पार्शियली डिसोशिएट होंगे और जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो सारे एटम्स का सेम रहेगा जैसे एन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां भी जो है वो यहां भी होगा यहां पर भी वो ही रहेगा ऑक्सीजन का भी वही रहेगा हाइड्रोजन का भी वही रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा इसको कहते हैं ऑटो आयनाइजेशन और सेल्फ आयनाइजेशन और ये प्रॉपर्टी ये लिक्विड अमोनिया की भी होती है जैसे सारे नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स की ये होती है अब हम एक पॉइंट uh, डिस्कस करेंगे सॉल्वेंट सिस्टम ऑफ एसिड्स एंड बेसिस क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है एस्पेक्ट है नॉन एक्वा सॉल्वेंट का तो जब हम इस कंसेप्ट को जानेंगे तब हम नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स की एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज बेसिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ पाएंगे तो ये जो सॉल्वेंट कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस है ये क्या कंसेप्ट है तो ये कंसेप्ट ये है कि द सब्सटेंसेज विच गिव्स पॉजिटिव आयन इन अ पर्टिकुलर सोल्वेंट दे आर एसिड सिंपल सा कंसेप्ट है आज तक आपने एसिड की बेस की डेफिनेशन पढ़ी होगी अरेनियस की थ्योरी पढ़ी होगी ब्रॉन्स्टेट की थ्योरी पढ़ी होगी लॉरी की थ्योरी पढ़ी होगी लक्स फ्लड पढ़ी होगी बट दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिनेशन फॉर एसिड्स एंड बेसिस दैट इज बेस्ड ऑन सॉल्वेंट सिस्टम वो किस पर बेस्ड है सॉल्वेंट सिस्टम पर तो अगर कोई सब्सटेंस गिव्स पॉजिटिव आयन इन अ पर्टिकुलर सोल्वेंट देन इट इज एसिड तब ये क्या कहलाएगा एसिड कहलाएगा और अगर सब्सटेंस विच गिव्स नेगेटिव आयन इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट देन इट इज अ बेस तब ये क्या कहलाएगा ये बेस कहलाएगा ओके okay? तो अभी हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि किसको हम एसिड कहेंगे और किसको बेस कहेंगे ये एग्जाम्पल अगर हम देखें देखिए एनएच फोर सीएल एन एच फोर सी एल को जब हम लिक्विड अमोनिया में लेंगे तो ये दो आयंस देगा एनएच फोर प्लस एंड सीएल माइनस तो अगर ये लिक्विड अमोनिया में NH4+ फोर प्लस आयन देता है दिस इज कैटायन तो हमने कहा था सब्सटेंस जो कि पॉजिटिव आयन देगा वो क्या होगा एसिड होगा तो एनएच फोर क्या होगा एसिड होगा लिक्विड अमोनिया में कैसे लिक्विड अमोनिया में वैसे एनएच फोर पानी में क्या है सॉल्ट है लेकिन अगर हम इसको लिक्विड अमोनिया में लेंगे तो ये किस क्या दे रहा है हमें कैटायन सेल्फ आयनाइजेशन के बाद एनएच थ्री दो तरीके के आयंस बनाता है एक बनाता है कैटाइन एक बनाता है एनआईन ऐसी स्पीसीज जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कैटाइन देगी उस सॉल्वेंट का वो कहलाएगी एसिड NaNH2 एन लिक्विड अमोनिया में क्या देता है NH2 एच टू माइनस एन एन एच टू माइनस इज एन ऑटो आयनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ लिक्विड अमोनिया तो उस solvent की नेगेटिव species देता है इसलिए NaNH2 टू इज अ बेस एनएनएच क्या है बेस है तो इसलिए जो है जो अमोनियम ions होते हैं उनको हम क्या कहते हैं अमोनो एसिड्स ऐसा भी जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है उसको हम एसिड कहते हैं और जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है उसको हम बेस कहते हैं दूसरा वो सब्सटेंस जो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में उसके कैटायंस देगा उसको हम एसिड कहेंगे जो स्पीसीज इस सॉल्वेंट के एनाइंस देगी उसको हम बेस कहेंगे उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ही कहेंगे पानी में नहीं है एसिड लेकिन ये लिक्विड अमोनिया में एसिड है क्योंकि ये कैटायन देता है एनएच फोर प्लस देता है इसी सॉल्वेंट का और एन टू एक बेस है क्योंकि वो इसी सॉल्वेंट का इस सॉल्वेंट में एनायन देता है इसलिए हम अमोनियम आयस को अमोनो एसिड्स कहते हैं जहां पर अमोनो आयंस होंगे जिस सॉल्ट में जिस कंपाउंड में उसको हम एसिड कहें कहीं पर भी अमोनियम आयन हो तो इसका मतलब वो क्या है एक आ, क्या है एसिड है लिक्विड अमोनिया में और जैसे अमाइड है इमाइड है इमाइड imi, है नाइट्राइड है ये क्या है अमोनो बेसिस है क्योंकि ये सब क्या देते हैं ये नेगेटिव स्पीसीज देते हैं लिक्विड अमोनिया में इसलिए ये सब होते हैं बेस और जो अमोनियम आयन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो अमोनो एसिड्स होते हैं क्योंकि वो लिक्विड अमोनिया में क्या देते हैं पॉजिटिव आयन देते हैं इसलिए वो क्या है एसिड्स है तो अगर हम इस लेक्चर को कंक्लूड करें तो हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा इसको हम एक बार आपको फिर से मैं समेराइज कर दूं। हमने पढ़ा रिएक्शंस इन्फ्लुएंस्ड बाय सॉल्वेंट नेचर सॉल्वेंट के नेचर से कौन कौन सी रिएक्शन इन्फ्लुएंस होती है वो पांच रिएक्शन है थर्ड वन इज सोलिस फोर्थ वन इज सो एंड फिफ्थ इज रिडॉक्स रिएक्शन तो ये पांच रिएक्शन है जो सॉल्वेंट सिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड होती है इसमें आपने देखा जो प्रेसिपिटेशन है पर्टिकुलर प्रेसिपिटेशन एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में Uh, जो इन्सॉलेबल स्पीसीज होगी वही प्रेसिपिटेट होगी तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्वेंट अगर हम सोल्ट फॉर्मेशन देखें तो सोल्ट फॉर्मेशन भी आप देखेंगे पर्टिकुलर सॉल्वेंट सिस्टम पर डिपेंड करेगा कि सोल्ट बने या ना बने तीसरी जो रिएक्शन हमने पढ़ी वो पढ़ी सोल्वोलिस की तो सोल्वोलिसिस की रिएक्शन में हमने देखा कि ये सोल्वोलिसिस मतलब सॉल्वेंट टूटेगा दो पार्ट में एक पॉजिटिव पार्ट होगा एक नेगेटिव पार्ट होगा और इनमें से एक पार्ट जो है वो सोल्यूट के साथ अटैच होगा और दूसरा पार्ट जो है वो क्या करेगा दूसरे आयन की कंसेंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन यहां पर बढ़ गई तो इसलिए जो है ऐसे यहां पर आप देखेंगे किसकी कंसेंट्रेशन बढ़ी अमोनियम आयन की सोलोलिटिक मीन्स सोलवेंट का टूटना देन द नेक्स्ट रिएक्शन इज सॉल्वेशन सॉल्वेशन रिएक्शन में क्या होगा कि सॉल्वेंट सिस्टम ब्रेक नहीं होगा बल्कि वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा थ्रो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग और आयन इंटरेक्शन देन पांचवे तरीके की जो रिएक्शन आपने देखी वो रिडॉक्स रिएक्शन देखी रिडॉक्स रिएक्शन आप देखेंगे अगर हम एक्वस मीडियम लेंगे तो वहां पर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन इजीली कर सकते हैं अगर हम लिक्विड अमोनिया देखेंगे तो वहां पर रिडक्शन रिएक्शन इजीली कर सकते हैं अगर लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड देखें तो वहां पर रिडक्शन की रिएक्शन ईजिली कर सकते हैं फिर हमने पढ़ी लिक्विड अमोनिया की कुछ प्रॉपर्टीज जैसे हमने उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स और उसका प, जो जो उसकी सोल्व कौन से तरीके के कंपाउंड्स कम्पाउंड सॉल्युबल होंगे व्हाट इज द ऑटो आयनाइजेशन प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज द सॉल्वेंट सिस्टम ऑफ एसिड्स एंड बेसिस तो सॉल्वेंट सिस्टम ऑफ एसिड बेसिस को एक बार मैं आपको और समेराइज करूं सॉल्वेंट सिस्टम्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस क्या है क्या है देखिए कि जो सब्सटेंस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में पॉजिटिव आयन देगा वो एसिड होगा जो सब्सटेंस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में नेगेटिव आयन देगा वो क्या होगा बेस होगा तो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन दी रिएक्शंस डिफरेंट रिएक्शंस एंड व्हाट इज सॉल्वेंट सिस्टम ऑफ एसिड्स एंड बेसिस